हम आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे नाम से कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के, पहले जीजू के साथ भी हो चुका है, हमें नहीं लगता था हमारे साथ कभी कैसा ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार, पापा आ गया हूँ, मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ प्रॉपर, ये देखो गाइस ये नंबर है, ये नंबर है, मैं दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार फिर दिखाती हूँ प्रॉपर, रुको पापा, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, दिखाओ, ये नंबर है गाइस, और अगर हम व्हाट्सएप पे जो ये उन्होंने ये डीपी लगाई हुई है, ये जो पापा मम्मी की डीपी है और मम्मी के व्हाट्सएप पे लगी हुई है। हाँ। मैं और चीना हम तिलक नगर गए हुए थे, मैंने आपको बोला था कि चीना ने गद्दे लेने हैं, गद्दे का साइज देके आए हैं, उसको अलमारी देखने गए, अलमारी इसको नहीं पसंद आई, इसको चाहिए दूसरे टाइप की जो उसको नहीं समझ आई, फिर हम चले गए वहाँ वॉल पेपर वाले के, तो कल वॉल पेपर वाला आएगा सुबह 12 बजे के करीब, तो वॉल पेपर लगा के जाएगा। जैसे ही हम घर में आए तो इन्होंने आके बताया कि ऐसे ऐसे दुकान के पास दो जेंट्स है, उनके नाम की डीपी लगी है, और क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपया मांगते हैं कि 10,000 रुपया हमें दे दो। अब हमें फोन आया कि अंकल जी आपकी मिसेज की फोटो आपकी लग गई है डीपी, तो यानी कि हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर किसी नंबर से कोई व्हाट्सअप आए, कोई आपसे पैसे मांगे, कोई आपसे पैसे मांगे हमारी फोटो देख के या इनकी फोटो देख के, ये जीजू से मिलवाएंगे या जीजू का कुछ भी, क्योंकि वो यही इन चीज से मांगे। नीचे उन्होंने कृति का नाम भी मेंशन किया, कृति का मलिक की मॉम लिखा हुआ है। हां, कृति का मलिक, तो अगर वो बोलते हैं कि भाई कृतिका मलिक की मॉम पैसे मांग रही है 10,000 रुपया, या वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं आप हमें 10,000 रुपया आप हमें दे दो, हम आपको कृतिका मलिक की मॉम से, कृतिका मलिक से बुलवा देंगे, मतलब संदीप से मिलवा देंगे, तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल आप कोई पैसे मत दे, कोई भी पैसे मत दे, बिल्कुल आपके पैसे खराब जाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसी डीपी नहीं है, लोग बस आप लोगों ने ये सिर्फ बिजनेस बना दिया है पैसे एड़ने का, पहले दुकान पे दो बंदों के साथ ऐसे किया, अब तीसरी बार हमारे साथ ऐसे किया, यानी कि अगर कोई फोन आए, फ्रॉड फ्रॉड और सिर्फ फ्रॉड है गाइस, हम अपने ऐसे तो नंबर डिस्क्लोज नहीं करते, ना हम कभी किसी से कोई पैसे मांगते, कोलैबोरेशन हो या कोई इवेंट हो या कुछ हो, सिर्फ कंपनी से डील होती है, कंपनी टू कंपनी, किसी पर्सन से, किसी से रिलेटेड हम कभी कोई पैसा नहीं मांगते हैं। तो मैं यही आप सबसे सजेस्ट करूंगी कि कभी भी हमारे नाम से कुछ भी बोला जाए, पहले भी जागरण के नाम पे कुछ हुआ था ऐसा, पहले भी संदीप के साथ हुआ था कि वहां पर जागरण पे संदीप आएगा तो 40,000 रुपए 50,000 रुपए उन्होंने लिए था कि संदीप आ जाएगा, जबकि आपको सारी बात बताया कि क्या हुआ था, फिर वो सारा का सारा, यानी कि भांडा तो खुली जाता है सबका सब जो भी होता है, मगर इसलिए कह रही हूँ कि लोग 10,000 रुपए 10,000 रुपया ले रहे हैं, 10,000 रुपया थोड़ा नहीं होता, जिसका जाएगा वो तो ये सोचेगा कृतिका मलिक की मॉम ने लिया, बट हमने नहीं लिया, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, एक रुपया भी मत देना हमारे नाम के ऊपर, हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब ये फ्रॉड हो रहा है ऐसे, और जो जिसका ना हमारी डीपी लगाई है इसकी हम भी कंप्लेंट करते हैं। हाँ, 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 हम इनकी कंप्लेंट भी करेंगे, हम सब ये साइबर सेल तक लेके जाऊंगे ये बात, क्योंकि आज एक है, हमें नहीं पता और भी हो सकता है, हमारे सामने एक आया है अभी, तो ये बातें आगे बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, अगर आप इनको अभी इग्नोर कर देंगे ना तो ये बहुत लोगों के पैसे लेंगे, तो हमारा नाम भी बदनाम होता है कि कृतिका मलिक की मम्मी क्यों पैसे मांग रही है। बात हमारे नाम की नहीं है, मेन है किसी की भी जो हक के पैसे है वो ना जाए, क्यों बेकार पैसे जाए, और हमें कंपनी हो कुछ काम उनका निकल रहा है, जैसे अब वो फिटनेस जूही करके है, वो मेरे से तीसरी बार कोलैबोरेशन करा रहे हैं, तो उनको कुछ फायदा हो रहा है तो वो करा रहे हैं, ऐसे बिन बात तो किसी को नहीं देना ना। हाँ, ऐसे क्या मतलब पैसे देने का, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम से वो बोलेंगे कृतिका मलिक की मैं मॉम बोल रही हूँ या कृतिका मलिक के पापा बोल रहे हैं, कोई भी बोले, कोई भी कुछ कहे, आपने एक रुपया नहीं देना, यानी कि हमें नहीं, हम नहीं मांग रहे किसी से कोई पैसा, और हमें करना भी क्या है, वो लोग मांग रहे हैं तो आप बिल्कुल मत देना गाइस, बिल्कुल मत देना, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, ये बस आजकल काम धंधे रहे नहीं किसी के लोगों के, तो लोग यही सोचते हैं कि भाई ये लोग तो यूट्यूबर है, अब इनके नाम से, इनको पता है कृतिका मलिक की मॉम है, ये भी फेमस है, इसलिए इनके नाम से पैसे, तो यही हो रहा है और क्या, तो बस ये